फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति फ्रॉम जो लाइफ लव यू चैनल। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है और एक वीडियो में। और आप अभी जो दो मिनट से देख रहे थे, आई मीन टू से एक मिनट से जो एंजॉय कर रहे थे जो प्लांट को, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं, आपने देखा होगा कि बटरफ्लाइज, काफ़ी सारे कलरफुल बटरफ्लाइज, आई मीन टू से अब जब मैं इसको ले रही थी तभी आई वॉज एंजॉइंग ए लॉट। और ये देखिए तो मतलब मुझे लगा कि एक वीडियो तो बनता है इसके बारे में। अगर आप किसी को भी पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके घर के पास या तो आसपास कहीं भी आप मतलब ये पेड़ को देखा है और इसका फ्लावर्स का स्मेल भी एंजॉय किया है, ज़रूर मुझे कमेंट में बोलिए। फ़िलहाल मैं इसके बारे में दो लाइंस बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसका नाम क्या होता है। क्योंकि रिसेंटली नेबरहुड में किसी को मैंने पूछा था और उन्होंने मुझे शायद नाम बताने से, आई थिंक मे बी शी डजंट नो, तो मुझे लगा कि नाम पता नहीं होगा शायद बहुत लोगों को इसका। तो इसका नाम जो है मैं बता देती हूँ, इसको हिंदू में मतलब हिंदी में सप्तपर्णी बोलते हैं, सप्तपर्णी ट्री। सप्तपर्णी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो पत्ते हैं एक ही गुच्छे में सात पत्ते लगते हैं और जिसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, तो इसके लिए इसका नाम सप्तपर्णी बोलते हैं। और इसका दो तीन नाम भी है, जैसे मिल्की पाइन बोलते हैं और डेविल्स ट्री भी बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड ट्री भी बोलते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम बोलते हैं, इसका अल्स्टोनिया स्कॉलरसिस बोलते हैं, अल्स्टोनिया स्कॉलरिस। ओके, सो दैट इज़ द साइंटिफिक बॉटनिकल नेम आप बोल सकते हो। आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इसके बारे में। बट मेरे घर के सामने ये पौधा इतना खूबसूरत लग रहा था ये सीज़न में, तो मैं सोचा एक वीडियो तो बनता ही है। और इतने सारे बटरफ्लाइज, माय गॉड, मैं सुबह उठते कि शाम तक बटरफ्लाइज काफ़ी सारे, पूरे फ्लावर्स मतलब पौधे में ही, मतलब पूरे ट्री के आसपास ही बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते थे मुझे। तो मैं सोचा ठीक है, एक सुंदर सा वीडियो तो बन ही जाएगा और शेयर करना तो बनता है। तो ठीक है, बस वही बोलना था। और एक दो लाइंस में इसके बारे में बोलूँगी, ये पेड़ के बारे में। इसको ना आयुर्वेदिक में भी बहुत सारी इसके यूजेस हैं, आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। एक पहली बात, इसके आयुर्वेदिक यूजेस भी है। सेकेंडली आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो सीज़न है, इसके सीज़न है ना, ये सीज़न शरद ऋतु मतलब शरद सीज़न में इसके फ्लावरिंग होते हैं और मार्च अप्रैल के टाइम पे इसमें फ्रूट्स लगते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे रिसेंटली पता चला कि ये जो पौधा है, ये पौधा तो नहीं बोल सकते, पेड़ है, ये पेड़ के नीचे हमारे ग्रेट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिखा था। गीतांजलि पोएट्री लिखे थे, जो बुक लिखा था जिसमें पोएम्स एंड प्रोजेस हैं, तो वो बुक लिखे थे और जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो दैट्स ऑल, बस वही शेयर करना था दो तीन चीज़ें ये पेड़ के बारे में। अगर आपने कहीं आसपास देखा है तो ज़रूर याद कर लेना मुझे कि आपने भी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिया है। एंड अगर आप कहीं फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, आप अगर कहीं मिल दिखते हैं तो फ्लावर्स का मज़े लीजिए। और इसके स्मेल तो क्या बोलना ही, मतलब बोलने के टाइम पे मुझे इतनी सारी खुशबू आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वीडियो बनाते टाइम भी बहुत एक्साइटमेंट थी, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था क्योंकि मुझे इसके जो फ्लावर्स में एवरी ईयर लगता है, मेरे का वीडियो लेने का सोचा नहीं था। तो अभी इस बार आई फाउंड ठीक है, चलो बेस्ट टाइम टू कैप्चर द वीडियोस विद बहुत सारे फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज के साथ। तो ठीक है, बस वही शॉर्टली वीडियो बना रही हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय।